रहेगा और इसके लिए बीजेपी कार्यकर्ता। देखिए मेरी उम्र है 50 साल, जब मैं 10 साल का था तब भी मैं यही सुनता था कि ये देश विकसित देश बन जाएगा, अभी विकासशील देश है। अब वो कह रहे हैं 2047 में बना देंगे, उसके बाद फिर बताएंगे 2077 में बना देंगे, फिर बोलेंगे 3000 वर्ष में जब हम होगी इसकी 3000 साल का जब हिंदुस्तान हो जाएगा तब हम बनाएंगे। ये सब बातों का कोई मतलब नहीं है, देश का बेड़ा गर्क करके रखा है। बिजली तो दे नहीं पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है, रात की बिजली 20% महंगा करने जा रहे हैं, बच्चों का दूध महंगा कर दिया, डीजल पेट्रोल सरसों का तेल किडनी की दवा कैंसर की दवा सब तो महंगी कर दी, बातें बड़ी बड़ी करते हैं। तो ये भारतीय झूठा पार्टी है, इनका काम है नफरत फैलाना देश के अंदर, झगड़ा कराना, हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, जो आदिवासी समुदायों को लड़ाओ, पहलवान और जवान को लड़ाओ, पहलवान और किसान को लड़ाओ, इसी काम में लगे हुए, इसके अलावा क्या करते हैं। अच्छा G20 में जब प्रगति मैदान में जो G20 हो रहा था प्रगति मैदान में जो चोरी हुई तो उनका कहना है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये कैसे करेंगे, उन्हीं की तो सरकार है, दिल्ली की बात हो रही है, उन्हीं की तो सरकार प्रगति मैदान की बात हो रही है, मोदी जी की ही तो सरकार है वहाँ पर कानून व्यवस्था के मामले में। LG के पास है कानून व्यवस्था, मोदी जी के पास है, और प्रगति मैदान के टनल के अंदर वो जो रास्ता बना है उसमें जो वारदात हुई है ये दिल दहला देने वाला है। अगर देश की राजधानी दिल्ली में इस प्रकार की घटना हो रही है, हत्या हो रही है, लूट हो रही है, गैंगवॉर हो रहा है, तो LG को हटना चाहिए, उसको क्यों बैठा कर रखा है। उधर पूरा काम खाली केजरीवाल से लड़ने में बीतता है, वो रात में सोता है तब भी पैर चलाता रहता है अपना कि झगड़ा करना है, बिस्तर पर भी उछलता है वो, तो उसका तो इलाज कराने की ज़रूरत है, उसको हटाओ वहाँ से, नहीं तो दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। पसमंदा के जो मुस्लिम हैं उनके साथ जो हो रहा है वो उन्हीं के लोग जो है कर रहे हैं और विपक्ष इसमें राजनीति कर। मोदी जी को कहां मुसलमानों की चिंता है, उनको सिर्फ अडानी की चिंता है, मैंने आपको बता तो दिया, उनको किसी की चिंता नहीं दुनिया में। समर्थन नहीं करते हैं वो मुस्लिम जो लड़कियां हैं उनके साथ अन्याय कर रहे तो बन गया कानून, कब तक रट्टा लगाएंगे, मोदी जी रट्टू तोता हो गए, 3 तलाक पे तो कानून बना दिया ना उन्होंने, अब क्यों उसी को रटे जा रहे हैं, कोई मुद्दा नहीं इनके पास। मैं पूछता हूं मोदी जी से, 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ, 15 लाख हर खाते में आने का क्या हुआ, काला धन आने का क्या हुआ, फसल का दाम दोगुना होने का क्या हुआ, 15 अगस्त 2022 तक पक्का मकान मिलने का क्या हुआ, महंगाई कम करने का क्या हुआ, हम पूछ रहे हैं उनसे, बताएं वो दुनिया। अच्छा। वही पूछते रहेंगे सबसे, 9 साल हो गए अभी वही विपक्ष सवाल पूछ रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं पूछेगा, बताओ ना भाई क्या हुआ। ऐसा नहीं हो रही, 9 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार भांग खा कर क्यों सो रही थी, चुनाव जब 10 महीने रह गए तो उनको UCC की याद क्यों आ रही है। अगर UCC बनाना होता तो 2014 से 19 के बीच में बना लेते, 5 साल इनको मौका मिला, 2019 से लेके 2023 तक 4 साल हो गए अब तक बना लेते, तो 10 महीने जब चुनाव कराया जाता है तब आपको UCC याद आता है, उसके पहले आप गजनी मोड में रहते हैं, आप गजनी हो जाते हैं, आमिर खान हो जाते हैं, आपको कुछ याद नहीं रहता है UCC PCC, जैसे ही चुनाव 10 महीने रह जाता है UCC PCC PCC सब आपको याद आना शुरू हो जाता है। UCC का जो भी दस्तावेज होगा सामने आने दीजिए, सामने तो आने दीजिए, हम किस चीज पे हम समर्थन देना चाहते हैं UCC को, किस पे समर्थन दे दे, मोदी जी से पूछ के आप ही बता दीजिए, आप भी नहीं देख पाए होंगे, मैंने भी नहीं देखा दस्तावेज। 2-3 सवाल है, सिखों के आनंद मैरिज एक्ट का क्या होगा, 371 के तहत जिन नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को तमाम अधिकार मिले हैं उन अधिकारों का क्या होगा। अच्छा, हिमाचल के अधिकार, गुजरात के अधिकार, नॉर्थ ईस्ट के अधिकार, उत्तराखंड के अधिकार, इन राज्यों को जो अधिकार मिले हैं 371 के तहत उसका क्या होगा, पहली चीज। दूसरी बात, जैन धर्म के लोगों के लिए अलग कानून है, सिखों के लिए अलग कानून है, आदिवासी समुदायों के लिए अलग कानून है।